राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण करने से पहले बहुत बड़ा बयान दिया है। सीएम गहलोत ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष पद के कार्यकर्ताओं की पहली पसंद राहुल गांधी ही थे, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया था। बता दें कि सीएम गहलोत ने आज पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर कहा कि पीएम मोदी और मोदी सरकार को राहुल गांधी ही चुनौती दे सकते हैं। वहीं गहलोत ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास संगठन का लंबा अनुभव है और इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। राजस्थान की राजनीति में सियासी बवाल के बाद चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में 5 से 6 नए जिले बनाने की घोषणा कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक नए जिलों के गठन के लिए रिटायर्ड आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जो 2 महीने के अंदर नया जिला बनाने के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि प्रदेश के 60 अलग अलग जगहों के नए जिले बनाने की मांग सरकार को मिली है, जिस पर कमेटी मंथन कर सरकार को रिपोर्ट देगी। वहीं राज्य में बनने वाले नए जिलों को लेकर बयानबाजी और लॉबिंग तेज हो गई है। राजस्थान में बीते महीने विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद उपजे सियासी संकट पर अब समाधान निकलता दिखाई दे रहा है। सियासी संकट से जूझ रही कांग्रेस खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजस्थान को लेकर सहमति बनाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच लंबे समय से खींचतान बनी हुई है। ऐसे में सितंबर के घटनाक्रम के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट पहली बार एक मंच पर नजर आए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस पूरे मसले पर आपसी सहमति की दिशा में काम कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालते ही कहा कि उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं बताया जा रहा है कि खड़गे के कुर्सी संभालने के साथ ही अगले महीने से राजस्थान में पार्टी संगठन में बड़ी संख्या में लंबित नियुक्तियों का रास्ता साफ होगा। साथ ही नवंबर में राजस्थान कांग्रेस जिला ब्लॉक और प्रदेश स्तर पर खाली पड़े पदों को भरने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में 90 से 180 दिन में सभी खाली पदों पर नियुक्तियां करने का फैसला किया गया था। वहीं राजस्थान में 2020 में गहलोत और पायलट की तकरार के बाद से जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के बिना संगठन चल रहा है। राजस्थान के भरतपुर जिले में भगवान गोवर्धन की एक लेटी हुई मुद्रा में 108 फीट की प्रतिमा बनाई गई। खबरों के मुताबिक ये प्रतिमा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो सकती है। बता दें कि इस प्रतिमा को 40 महिला और पुरुषों की टीम ने पहले चूने से आकृति बनाई, फिर उस पर गोबर से प्रतिमा बनाई। वहीं इस 160 फीट की प्रतिमा की चौड़ाई लगभग 80 फीट है। भीलवाड़ा में महात्मा गांधी चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में पिछले रात एक बालक और बालिका को रेडिएंट वार्मर में रखा गया था, जहां रात में मशीन में हीट ज्यादा होने के कारण बालिका की मौत हो गई और बालक झुलस गया। बच्चे की मौत के कारण परिजनों में आक्रोश छा गया और इस घटना से चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। वहीं परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए शव को ले गए। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को लेकर जाँच का आश्वासन दिया है। दिवाली के बाद राजस्थान का मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा है। बता दें कि राजस्थान के अलवर, चुरू, झुंझुनू में बीती रात न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया था। इन जिलों में लगातार दूसरे दिन मौसम ठंड नुमा रहा है। वहीं सीकर जिले में तो ज्यादा ठंड का असर देखने को मिला, यहाँ तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बजरी माफियाओं की गुंडागर्दी और मनमानी कीमतों के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज 10वें दिन भी प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन के 10वें दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने बजरी ठेकेदार की मनमानी और गुंडागर्दी पर रोक लगाने की भी मांग की। वहीं पार्टी के प्रदेश महामंत्री उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता और संवेदनहीनता की वजह से ठेकेदार बजरी के माध्यम से मनमाफी कीमतें वसूल कर आम जनता को लूट रहे हैं। अहमदाबाद में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का आंदोलन पिछले 25 दिन से लगातार जारी है। उपेन यादव के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ दांडी यात्रा भी निकाल चुका है। वहीं इस दौरान राजस्थान के बेरोजगारों द्वारा अहमदाबाद में काली दिवाली भी मनाई गई। इसके अलावा सीएम गहलोत को लेकर उपेन यादव ने कहा कि वो हमारे अभिभावक हैं और उन्हें बेरोजगारों की सुध लेनी चाहिए।